नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 8 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। दोस्तों, तो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। साथ ही साथ, जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। कोई भी सिंगल सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पहला एशियाई रेंजर फोरम किस शहर में शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला जो है ये एशियाई रेंजर फोरम है जो कि किस शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुवाहाटी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है। तो असम का जो शहर है दोस्तों, गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा असम का शहर है गुवाहाटी। वहां पे जो है पहला एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन किया गया है। ये जो रेंजर फोरम है दोस्तों, ये विश्व स्तर पर जो रेंजर्स हैं उन रेंजरों को प्रभावित करने के मुद्दे पर सहयोग करने के लिए इस एशियाई फोरम का, ठीक है, एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ वो मुद्दे, जो चुनौतियां, ठीक है, जो कि रेंजर्स को, जो विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करते हैं, उनको उनके समाधान को ढूंढने के लिए इस जो है फोरम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के दोस्तों जो वन मंत्री हैं, जिनका नाम है सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने, ठीक है, एशियाई जो है फोरम को संबोधित किया, ठीक है, रेंजर फोरम को। और उन्होंने बोला कि रेंजर्स जो होते हैं दोस्तों, वो एशिया के प्राकृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक होते हैं। साथ ही साथ इस फोरम में देखिए कौन कौन शामिल हुआ है। तो 35 महिलाओं सहित लगभग 20 देशों के 180 तहजीब प्रतिभागी, 89 रेंजर्स और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां पर आयोजित किया गया? असम के, ठीक है, शहर गुवाहाटी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह, उन्होंने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह ने जो है खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में खादी माटी कला जो है महोत्सव, जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया, उसमें वो शामिल हुए, उसको संबोधित किए। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वो अहमदाबाद के जो साइंस सिटी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस अवसर पे देखा जाए तो लगभग 300 जो कुम्हार है, ठीक है, उनको विद्युत चालित चाक प्रदान किया गया, 200 खादी कारीगरों को जो है देशी चरखा प्रदान किया गया, 100 लाभार्थियों को टूल किट्स एवं मशीनरी प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए जो पीएम ईपीजी जो है ईजीपी के अंतर्गत देश भर के लगभग जो है 4,500 जो लाभार्थी है उनको 200 करोड़ रुपए की मार्जिन से मिनी सब्सिडी, केरल के कुट्टूर में यहाँ पे देखा जाए नवनिर्मित केंद्रीय पूना संयंत्र और अहमदाबाद में नवनिर्मित 8 डाकघर का ऑनलाइन माध्यम से जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो माटी कला महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। इस महोत्सव को दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस मंत्रालय ने ज्ञान योजना की शुरुआत की है? तो ज्ञान योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस जो ज्ञान महोत्सव, जिसका देखिए यहाँ पे ज्ञान योजना है दोस्तों, जिसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई योजना है, ये देखा जाए बेसिकली 8 वर्ष पहले यानी कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना को जो कि कोविड के द्वारा, कोविड
समय ये योजना जो है अपने विराम अवस्था पहुंच गई थी, कुछ समय के लिए रुक गई थी। पुनः देखा जाए इस योजना को, ठीक है, ये जो शिक्षा मंत्रालय की जो ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क योजना है, इसके चौथे चरण को पुनः शुरू करने की तैयारी की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगर ज्ञान पहल के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनको विश्व भर से जो प्रतिष्ठित विद्वान है उनको आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कि वो भारतीय विश्वविद्यालय में जो है शिक्षण का कार्य कर सके, ठीक है, अपने जो है ज्ञान को साझा कर सके। ज्ञान यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ये देखा जो भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी एक पहल है, और ये जो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में सहयोग को बढ़ावा दे रहे, साथ ही साथ शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है इस पहल की शुरुआत की गई। इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। ज्ञान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो छात्र हैं, जो संकाय हैं, उन दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक और उद्योग विशेषज्ञ से बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, उनसे जो है उनके ज्ञान को साझा करना, ठीक है, यानी कि जो प्रतिष्ठित विद्वान है विश्व भर के, वो अपने छात्रों को, यहाँ की यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपने ज्ञान, छात्रों को अपने ज्ञान को साझा करेंगे, ठीक है, छात्रों से। ये बेसिकली उद्देश्य है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ये ज्ञान का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मंत्रालय आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मेरापी ज्वालामुखी जो भी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, और ये जो है किस देश में स्थित है, ऑप्शन आपसे सामने दिख रहा है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया का ये देश था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का, ठीक है, जो सुमात्रा द्वीप है वहां पे मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। तो हाल ही में देखा जाए ये जो इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में, ठीक है, जो मेरापी ज्वालामुखी है दोस्तों, मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में प्रस्फुटन की घटना हुई है, जिससे लिखा गया हवा में लगभग 3000 मीटर तक राक जो है फैल गई है, जिसके वजह से कई लोगों की जानें चली गई, ठीक है। माउंट मेरापी, देखिए इसका अगर अर्थ क्या होता है, अग्नि का पर्वत, ठीक है, ये इसका उद्यान जो है अर्थ है, और ये माउंट मेरापी जो कि द्वीप है, ठीक है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उस पर ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, और इसमें सबसे जो घातक विस्फोट हुआ था दोस्तों वो अप्रैल 1979 में हुआ था, उस समय लगभग इस विस्फोट से 60 लोग मारे गए थे। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की दोस्तों, तो इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर में अग्निवल है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर में स्थित है, और यहाँ पे लगभग 127 जो है एक्टिव ज्वालामुखी हैं, ठीक है, वोल्केनो है। विश्व के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक होने के कारण अगर माउंट मेरापी की बात करें, तो ये ना सिर्फ विश्व के खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी, लोग यहाँ पे जो है पर्यटक यहाँ पे बहुत ज्यादा जाया करते हैं। वहीं पर हम बात करें माउंट मेरापी, माउंट सेमेरो और माउंट ब्रोमो जैसे जो अन्य ज्वालामुखी के साथ इंडोनेशिया में लोकप्रिय एडवेंचर स्थल भी बना हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। माउंट मेरापी, ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने देशों को 5 खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? तो 5 खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केंद्र सरकार ने दिया है, कितने देशों को दिया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी है, 5 देशों को, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों 5 देशों को 5 खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है। ये 5 देश कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पे भूटान है, माली है, सेनेगल है, गाम्बिया है और इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया को ये 5 खाद्य जो है वस्तुएं, ये खाद्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं? गेहूं अनाज है, गेहूं का आटा है, मैदा है, टूटे हुए चावल। तो इन 5 देशों को जो है ये इन वस्तुओं को, इन खाद्य वस्तुओं को निर्यात करने की अनुमति दिया गया। ये 5 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेनेगल को देखा जाए दोस्तों, तो 5 लाख मेट्रिक टन जो है टूटा हुआ चावल भेजा जाएगा, निर्यात किया जाएगा। वो इंडोनेशिया को 2 लाख मेट्रिक टन जो है टूटा हुआ चावल निर्यात किया जाएगा। सेनेगल को दोस्तों बात करें तो 5 लाख मेट्रिक टन टूटा हुआ चावल, और इंडोनेशिया को 2 लाख मेट्रिक टन, वही चीजें हैं जो यहाँ पे है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे 5 देशों को जो है 5 खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। ये 5 देश कौन से हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किस शहर में किया गया?
नई दिल्ली में, कोची में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 5 से लेकर के 6 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का कौन सा ये संस्करण था दोस्तों, तो ये 8वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में दोस्तों बात करें तो नवीनतम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श जो है किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों, तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी। और इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन और कार्नेगी इंडिया के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जो भारतीय विदेश मंत्री है दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन दोस्तों किया गया है, नई दिल्ली में किया गया, 8वां संस्करण था और थीम आपको पता होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इस साल की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में एंड्री राजुएलिना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो एंड्री राजुएलिना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका का देश है दोस्तों, अफ्रीका के पूर्वी तट पे स्थित ये देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर के ये एंड्री राजुएलिना जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में देखा जाए दोस्तों एंड्री राजुएलिना मेडागास्कर के जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। मेडागास्कर के दोस्तों ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इससे पहले देखा जाए एंड्री राजुएलिना की बात करें दोस्तों, तो ये वर्ष 2019 में जो है 19 से नवंबर 2023 तक ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति थे। ये मेडागास्कर के दोस्तों जो है 10वें राष्ट्रपति हैं। और राजुएलिना की बात करें दोस्तों, तो जो देश के उच्च संवैधानिक न्यायालय है उनके द्वारा जो है इन्हें विजयी घोषित किया गया है। तो एंड्री राजुएलिना जो है मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, ध्यान रखिएगा दूसरी बार। चूंकि मेडागास्कर की दोस्तों बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का ये देश है और ये हिंद महासागर में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। ये दोस्तों इंडियन ओशियन है और ये आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है और यहाँ पे आपको मेडागास्कर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दोस्तों ईस्ट, ठीक है, साइड में आपको यहाँ पे मेडागास्कर देखने को मिल जाएगा। मेडागास्कर दोस्तों पूर्वी तट पे स्थित ये एक द्वीपीय देश है और ये देखिएगा विश्व का जो है 4था सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी देश तो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अताना नारुइवो जो है इसकी राजधानी है। अब आप मुझे बताएंगे इसकी करेंसी क्या है, ठीक है, मेडागास्कर की करेंसी बताएंगे और आप मुझे बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सबसे बड़ा, ठीक है, द्वीपीय देश कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि 4था सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो बताइए सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करें और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यूपी स्पेशल भी है। तो यहाँ पे दोस्तों सैयद मोदी इंडिया जो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया 28 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में किया गया लखनऊ में दोस्तों, जो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी है वहां पे इसका आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। और इसमें देखा जाए इस टूर्नामेंट में 19 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया। वही इस टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल का खिताब किससे जीता है, तो चीनी ताइपे के चियू जेन जो है इन्होंने ये खिताब जीता है पुरुष एकल का। वही महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है, तो जापान की, देखो यहाँ पे जापान की जो नोजोमी आकुहारा ने जो है महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ पे पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो मलेशिया के जो है चुंग होन जियान और हैकाल मोहम्मद ने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल का खिताब किसने जीता है, तो जापान की जो रिन इवानागा है और की नाका दिनिशी है जो इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। वही मिश्रित युगल का खिताब इंडोनेशिया के जो डेजन फर्नियास और ग्लोरिया एमानुएल विडजाजा ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी ये उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था 1991 में।
कॉमनवेल्थ गेम्स जो चैंपियन थे जिनका नाम था सैयद मोदी, उनकी याद है। सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में इस जो है टूर्नामेंट की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा 1991 में। और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आयोजन लखनऊ में किया गया बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। कौन कौन इसका विजेता रहा है हमने बात किया, इसी के साथ साथ और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, उनकी बहन है दोस्तों, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, जिनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने स्पेल के एलएलओ ब्रिगेड ओपन के दौरान जो है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की 2500 रेटिंग को पार कर भारत की ये तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली नहीं तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इसी के साथ साथ एक अन्य उपलब्धि भी इन्होंने हासिल किया है। वैशाली और उनके जो छोटे भाई दोस्तों प्रज्ञानंद, ठीक है, इन्होंने इतिहास में दुनिया के पहले ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी ये बन गया, ठीक है। चूंकि तीसरी जो है खिलाड़ी थी, इससे पहले भारत में देखा जाए तो इससे पहले जो है भारत की पुनेरो हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली जो है महिला ग्रैंड मास्टर रह चुकी है, और ये तीसरी ग्रैंड मास्टर थी। 18 साल की जो प्रज्ञानंद है इन्होंने 12 साल की उम्र में, जबकि वैशाली ने 22 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो है ग्रैंड मास्टर जो है वैशाली रमेश बाबू ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, ठीक है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में भारत में कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है? तो 2028 में कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका आयोजन 2028 में किया जाएगा। और इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है कहां पे दोस्तों? जैसा कि आपको पता है जो है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का आयोजन किया गया। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान इन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और 2028 में भारत में जो है COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जो है जो यूएई का जो शहर है दोस्तों दुबई, वहां पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के दौरान विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान यह प्रस्ताव रखा है। दुबई में जो है अपने COP28 संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत का लक्ष्य देखिए क्या है, 2030 तक जो उत्सर्जन है, जो कार्बन का उत्सर्जन की तीव्रता है, उसको 45% तक कम करना। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है, तो 2030 तक। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है जो गैर जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, इसकी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 50% करने का भी फैसला किया है। और इसके साथ साथ एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो COP28 के, देखिए, अध्यक्ष कौन थे, सुल्तान अल जावे, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के जो अध्यक्ष है साइमन स्टील, उनके साथ जो है उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे। सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ अन्य उपलब्धियां भी हासिल हुई दोस्तों, कुछ विकासात्मक कार्य भी हुए हैं COP28 में। तो जो है 28 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था उसमें एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया, क्या था? क्योंकि इसमें जो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय संघ सहित जो 123 देशों ने 2 दिसंबर को जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे जो भारत ने इस जो है घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह घोषणा पत्र की बात करें तो दोस्तों, जो कि COP21 में, जो कि 2015 में हुआ था, उस दौरान जो पेरिस समझौता हुआ था, तो देशों को पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ढांचे के भीतर स्वास्थ्य संबंधी विचारों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध करना था। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान दीर्घकालिक कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों, राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं और अनुकूलन संचार को डिजाइन करने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण को शामिल करने पर जोर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये COP28 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं आज के अपने लास्ट MCQ की। तो आज का हमारा लास्ट MCQ है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों किस देश ने किया है, ये किया है म्यांमार ने, ठीक है, म्यांमार ने जो है मिचोंग का नामकरण किया है।
तो हाल ही में देखा जाए दोस्तों, जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है जिसका नाम है मिचो। और ये जो चक्रवात है दोस्तों, ये दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट से होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। ये जो मिचोंग है, जो कि चक्रवात का जो नाम है मिचोंग, इसका जो नामकरण किया गया है ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। और मिचोंग का अर्थ क्या होता है? ताकत या फिर लचीलापन, इसका जो है अर्थ होता है। चक्रवात दोस्तों क्या होता है? तो एकदम कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास जो है तेजी से हवा का संचार होता है। इसमें हवा का जो संचार होता है ये उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मिचांग है, जो कि हाल ही में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उठा था, ये भी पूछा जाता है कि अरब सागर में उठा था, कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में था या फिर प्रशांत में था। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, लेकिन ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल में ये चक्रवात उठा है और इसका जो नामकरण किया गया है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा पहला फैक्ट है कि फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया, किसे किया गया है? तो अर्शिया सत्तार को किया गया। उत्तर प्रदेश के शहर जो है फिरोजाबाद का नाम बदल कर किया गया है क्या? फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद का जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा चंद्रनगर कर दिया गया। ठीक है, तो फिरोजाबाद का नाम बदल कर किया गया चंद्रनगर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? राजेश उन्नी को किया गया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हो गया, उनका नाम है सैंड्रा डे ओकनार। ठीक है, सूचना के आदान प्रदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो देश का केंद्रीय बैंक है उसने समझौता किया है किस बैंक से? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और डेली करंट अफेयर की PDF आपको जैसा कि बताया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड जो है ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड करिए, अपनी नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।